हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं 1-1.5 महीने में, और आपका ये फर्स्ट चैप्टर का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट्स में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कब जाता है? सो गाइस, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है या हमारी पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं जिनमें हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो हम P&L अकाउंट बनाने के बाद ही अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स के द्वारा जितना भी हमें पैसा हमें उनको देना है या उनके थ्रू हमें जितना भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिला है, हमें जितनी उनकी सैलरी देनी है, वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मा क्या होता है, और फिर उसके बाद हम एक खुद क्वेश्चन करके देखेंगे। सुना, सबसे पहले जो होता है मेरा P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस मुझे निकल के आया है, मेरे पास मिला है, तो मैं उसको सबसे पहले लिखूंगी। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मेरा नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, और मेरा लॉस है तो मेरा डेबिट साइड। सेकंड, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स ली हुई थी और उसने वो उस पर इंटरेस्ट दिया है, तो वो मेरा क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ABC जितने भी पार्टनर्स होंगे। वहीं डेबिट साइड क्या होगा, जितना भी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ा है वो हमारा डेबिट साइड आएगा। पार्टनर्स को जितनी सैलरी मिली है, पार्टनर्स को जितना कमीशन दिया गया है, जितना रिजर्व का ट्रांसफर किया गया है, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट आएगा तो हमारा डेबिट साइड में निकलेगा, और लॉस आएगा तो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। सो नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, यानी कि शर्मा वर्मा जी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 वर, उनकी कैपिटल कितनी थी, 500,000, और वर्मा जी की 100,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट शर्मा विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि शर्मा को हमने कमीशन देना है 10% का, नेट प्रॉफिट का 10%, अलाउिंग सैलरी ऑफ 5,00,000, यानी सॉरी 5,000 पर मंथ। सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 10% वर्मा को जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज 2,80,000। सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने परफॉर्मा बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मेरा प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, ये किसके अकॉर्डिंग है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है मेरा 2,80,000। अब सबसे पहले मेरा सैलरी कितनी जा रही है वर्मा को, सैलरी है वर्मा जी की 5,000 पर मंथ है। हमें क्या करना होता है, ईयरली रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो हम उसका साल का लिखेंगे, तो 2 वर्मास सैलरी नहीं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा, वर्मास कैपिटल अकाउंट, और ब्रेकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, कि हमने सैलरी का पैसा उन्हें दिया है। अगर एक महीने की सैलरी 5,000 है तो साल की हमारी कितनी हो गई, 5,000 × 12, जो कि हो जाएगी 60,000। उसके बाद हमें कमीशन देना है, कमीशन है हमारा प्रोवाइड दैट शर्मा विल गेट कमीशन ऑफ 10%, शर्मा जी को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का, आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू वर्मा। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, शर्मा को हमने कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट में से वर्मा जी की सैलरी घटाने के बाद। तो देखिए, इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहाँ पे, वर्किंग नोट एग्जाम में। गाइस, आप सारे वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं आपके 12th के, और उनकी मार्किंग में आपके वर्किंग नोट्स के भी नंबर होते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शर्मास कमीशन। सो जो इसमें अकॉर्डिंगली कहा गया है, यानी कि 2,80,000 जो मेरा नेट प्रॉफिट था, माइनस 60,000 का 10%, ठीक है, यही बात बोली गई है सीधे सीधे कि 10% है आफ्टर अलाउिंग द सैलरी ऑफ वर्मा, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2,20,000 × 10/100, सो ये आ गया मेरा
गया मेरा 22,000, यानी ये 22,000 मेरा क्या है, शर्मा जी का हमारा कमीशन है। तो टू शर्मास कैपिटल, अब शर्मा जी को हमने कैपिटल प्रोवाइड, कमीशन प्रोवाइड किया है उनके कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे हमारा 22,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए अभी और कुछ नहीं कहा गया है, वन मोर थिंग, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो यहाँ पे कितना है, 4:1। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा आ रहा है 2,80,000 और ये आ रहा है 82,000। ऑब्वियसली ये वाली साइड कम है तो बैलेंस मेरा यहाँ आएगा, तो 2,80,000। अब 2,80,000 में से मैं 82,000 डिडक्ट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1,98,000। अब ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि ये डेबिट साइड आया है। ठीक है, सो नाउ अब मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, शर्मा के अकाउंट में और वर्मा जी के अकाउंट में, शर्मास अकाउंट एंड वर्मास अकाउंट। शर्मा के अकाउंट में 1,98,000 का 4/5 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रखा है 4:1, यानी कि 4 जो है वो शर्मा का है और 1 वर्मा का है, और वर्मा के अकाउंट में जाएगा 1,98,000 का 1/5। तो देखिए 1/5 आप निकालेंगे तो 39,600, उसको 4 से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,58,400। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपको क्या करना होता है कि प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी के पास उसमें से आपको कैपिटल की इंटरेस्ट प्रोवाइड करवानी होती है, उसमें ड्रॉइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट ऐड करना होता है, और मेन जो चीज़ है वो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम एप्रोप्रिएट करते हैं उसका कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमें पार्टनर्स को देना है। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो आपको, टॉपिक समझ आया हो, परफॉर्मा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसी पर सारा क्वेश्चन होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।